बच्चों, हमने कथन से बीजी समीकरण बनाना सीखा है। अब चलते हैं बीजी समीकरण से कथन बनाने की ओर। एक बीजी समीकरण 5x-2=10 पर विचार करें तो इसका संभावित कथन होगा, किसी संख्या की 5 गुने और 2 का अंतर 10 है। उदाहरण 3, x/4 + x = 10 को गणितीय कथन के रूप में लिखिए। प्रश्न में हमें एक गणितीय समीकरण दिया गया है। समीकरण है x/4 + x = 10। इसे हमें गणितीय कथन के रूप में लिखना है। जैसे कि हम किसी संख्या को x मानते हैं, उसी प्रकार x को कहेंगे कि किसी संख्या। किसी संख्या में यदि हम उसका चौथाई ले लें और फिर उसमें x मतलब वही संख्या जोड़ दी जाए तो कितना प्राप्त होगा? 10। इस प्रकार से इसका गणितीय कथन बना सकते हैं। तो चलिए हम कहते हैं कि किसी संख्या जो कि हम किसे मान रहे हैं, x को, किसी संख्या में उसका एक चौथाई यानी कि जो x/4 हमने लिया है ना, वही हो गया किसी संख्या में उसका एक चौथाई को यदि हम जोड़ दें तो हमें कितना जोड़ प्राप्त हो रहा है? जोड़ हमें 10 मिल रहा है। तो हमने कहा कि किसी संख्या में यदि उसके x चौथाई को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है? 10। अतः इसका गणितीय कथन क्या हुआ? किसी संख्या में उसका एक चौथाई जोड़ने पर जोड़ 10 होता है। इस तरह यह प्रश्न हल हुआ। करके देखें। बीजी समीकरण के लिए कथन बनाने होंगे हमें। पहला, 2x-3=42 के लिए। दूसरा, 12x-3=105 के लिए। तीसरा, x^(x^4)=28 के लिए। चौथा, x^6=28 और पांचवा, 3x^3=15 के लिए। समीकरण का हल क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। x^2=7 में यदि हम x का मान 3 ले लें तो हमें 3^2 जो कि 5 होगा 7 के बराबर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यह समीकरण सत्य नहीं है। यदि हम x का मान 4 रखें तो 4^2 6 जबकि यह भी 7 के बराबर नहीं है, अर्थात यहां भी हमारा समीकरण सत्य नहीं है। जब हम x का मान 5 रखते हैं तो 5^2 = 7 समीकरण हमें सत्य प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों पक्ष हमें बराबर प्राप्त होते हैं। अतः x = 5 समीकरण का एक हल है, क्योंकि इस मान के लिए समीकरण सत्य है। हम कह सकते हैं कि किसी समीकरण में चर के स्थान पर जो संख्या रखने पर समीकरण सत्य रहता है वह मान समीकरण का हल होता है। समीकरण के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन। पहला, समीकरण में बराबर चिन्ह के दोनों ओर दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दूसरा, समानता के चार नियम ए बी सी वास्तविक संख्याओं के लिए। पहला, यदि ए बराबर बी तब a^c = b^c, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान जोड़ने पर योगफल बराबर रहता है। दूसरा, यदि a^b तब a^c = b^c, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान घटाने पर अंतर बराबर रहता है। तीसरा, यदि a^b तब a^c = b^c, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का गुणा करने पर भी गुणनफल बराबर रहता है। चौथा, यदि a बराबर b तब a/c = b/c,
जहां c का मान शून्य नहीं है। अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर हैं तब दोनों पक्षों में समान का भाग करने पर भी भागफल बराबर रहता है।